सरसर इकडे हां हां माझ्याकडे तिथे 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 उभा राहू हो हो नेक्स्ट तो नहीं मिलेगा अगेंस्ट द लाइट इधर आना पड़ेगा लेफ्ट सर सही मैम ऊपर मैम दिस साइड सही है दिस साइड बाबा आजा मैम लेफ्ट में मैम दिस साइड यो मैम दिस साइड थैंक यू फॉर कमिंग गाइस हो रही है मतलब बन चुकी है मतलब राक्षस एक अनोखी कहानी है एक फैंटेसी थ्रिलर है ऐसा जॉनर अभी तक बना नहीं है जहाँ फैंटेसी और रियलिटी एक साथ आते हैं मिलते हैं और कहानी बेसिकली एक परिवार की है एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो कि मुंबई में रहता है माँ बाप और एक छोटी बच्ची है और ये जो फादर है इसका नाम अविनाश जंगलों में जाता है और वहाँ के बारे में वहाँ के लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाता है और एक दिन सडनली वो गायब हो जाता है और फिर माँ और बेटी मिलकर कैसे उसे ढूंढते हैं कैसे कैसे लोग उन्हें मिलते हैं और किस तरीके से उन दोनों के रास्ते एक होते जाते हैं और कैसे वो अपने बेटी अपने फादर को और एक वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे ढूंढती है ये कहानी है राक्षस की और इस जंगल में या उस राक्षस कौन है इस बात की कहानी है तो आपका क्या कैरेक्टर रहेगा इसमें जी मैं क्या लगता है ये मेरे हस्बैंड है मैं हस्बैंड हूँ ये मेरी वाइफ है अविनाश और राक्षस मैं नहीं हूँ फोन अच्छा है किसी का बजता है उठा लो फोन और मेरा फिल्म में कैरेक्टर है अविनाश जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और ये इरावती प्ले कर रही हैं जो मेरी पत्नी है और एक छोटी बच्ची है हमारी अरण्या जिसका नाम अरू है और कहानी इस परिवार की है और पूरे परिवार के लिए फिल्म है राक्षस नाम सुन के ऐसा ना लगे कि एक हॉरर फिल्म है बिल्कुल हॉरर फिल्म नहीं है ये एक परिवार की फिल्म है उनके स्ट्रगल की कहानी है एक थ्रिलर है जो आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आएगी बड़ी अलग सी थ्रिलर है काफ़ी थ्रिलर फिल्में बनती हैं लेकिन आई थिंक एक बहुत अनोखी कहानी है अनोखी के तरीके से दिखाई गई कहानी है फिल्म के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस था? आप ही बहुत ही एडवेंचरस था क्योंकि हमारी 98% फिल्म आउटडोर्स शूट हुई है हमने जंगलों में जाके शूट किया है तो वहाँ पे कभी ऐसी न्यूज़ आती थी कि आप थोड़ी देर वैनिटी से बाहर ना निकले क्योंकि बाहर लेपर्ड आके बैठा है तो ऐसी बहुत ही थ्रिलिंग ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस वी विटनेस्ड और बहुत ही मज़ा आया बहुत अलग डिफ़िकल्ट और पूरा जो कहते हैं नहीं एक्टर के पेशेंस और उसकी कैपेसिटी को निचोड़ने वाला शूट था सिर्फ ये नहीं कि लाइट कैमरा एक्शन है लाइट होती नहीं थी हम तो नॉर्मली हमने नेचुरल लाइट है बहुत कम लाइट में शूट किए फिल्म ऊपर से इतना ट्रैवल किया है हमने ऑल ओवर महाराष्ट्र गुजरात लोकेशन सारी रियल हैं ऐसा कहीं भी हमने चीट नहीं किया है कि हमने कहीं लोकेशन कहीं और दिखाई हो तो हमने चप्पा छान मारा है महाराष्ट्र का हर एक कोने में शूट किया है और मज़ा आया करने में बिकॉज महाराष्ट्र बहुत खूबसूरत है ये देखने को मिला फिल्म के अंदर मतलब फिल्म की शूटिंग करते वक्त और अलग अलग लोकेशन से कहीं पहाड़ चढ़ना पड़ रहा था
कहीं पानी के अंदर जाना पड़ रहा था, कहीं गुफाओं में जाना पड़ रहा था, तो मज़ा भी आया, कभी डर भी लगा, कभी थकान भी हुई। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, सो आवर फोन्स वर नॉट वर्किंग, तो वो एक अलग मजा था। कुछ दिन शुरुआत में लगा फोन, यार, फोन काम नहीं कर रहा, बट बाद में लगा कि नहीं यार अच्छा फोन नहीं काम कर रहा, अच्छा है, नहीं काम कर रहा मेरे। इस फिल्म में हमारी जो बेटी है उसके हिसाब से उसके फादर को, उसके पिता को एक राक्षस ने किडनैप कर लिया है। हमारी संस्कृति को बहुत ही लंबा लेगेसी है, लंबी लेगेसी है, दंत कथा और यू नो परिकथा जिसको मराठी में कहते हैं, तो उस हिसाब से उसके हिसाब से पापा को राक्षस ले गया, इसलिए फिल्म का नाम राक्षस है। हॉरर नहीं है यार, बाकी फिल्म बाकी फिल्मों से अलग है। यार मेरे लिए बहुत आसान था, एक से तक इसे लुक मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज निजी जिंदगी में मैं ऐसा दिखता हूँ, फिल्म में एक कम्प्लीटली कॉमन मैन जो दिखते हैं वैसा दिखा हूँ, और थोड़ा वजन बढ़ाना पड़ा, ना मेकअप था, ना बाल बनाए, ना ढीले कपड़े पहने हुए हैं, तो वो एक डिफरेंट आस्पेक्ट था। बट जो मेरा डायरेक्टर है ज्ञानेश झोटिंग, आई थिंक वो किरदार जो लिखा उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से लिखा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा कुछ मैंने सिर्फ एक स्मार्टनेस दिखाई कि मैंने सिर्फ अपने डायरेक्टर को ऑब्जर्व किया कि यार ये कैसे बिहेव करता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, ये क्या सोचता है, और उसी हिसाब से मैंने जब उसको कॉपी किया है फिल्म के अंदर। और बाकी आप देख ही रहेंगे एक अलग किस्म का किरदार है, मतलब एक बहुत ही सिंपलटन है वो, और एक कभी कभी ऐसे रोल करने में मज़ा आता है जहाँ आप एंग्री यंग मैन नहीं है या और आपको आवाज़ के लिए भी बोला गया, आवाज़ से थोड़ी सी इतनी बेस मत करिए, नॉर्मल रहिए, बाइसेप्स दिखने नहीं चाहिए फिल्म के अंदर, फुल स्लीव शर्ट, ढीले ढाले कपड़े, इन शॉर्ट स्टाइल मत मारिए, स्टाइल मत मारिए, जैसे आप बहुत स्टाइल मारते हैं स्टाइल मत मारिए, आप बिल्कुल सिंपल रहिए। आई प्ले इरावती इन दिस फिल्म। इरावती एक बहुत ही प्रैक्टिकल वर्किंग मदर है, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट मदर है। जनरली एक माँ का किरदार अगर हम कहते हैं जब, तो एक बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर इमोशनल ऐसी पर्सनालिटी सामने आती है, लेकिन ये माँ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये अलग तरह की माँ अच्छी लगी मुझे। मुझे बंदर ने काटा और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती जिंदगी में, और मेरे लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा फनी, एम्बेरसिंग और यादगार पल था ये, और उसके उसके लिए मैंने 5 इंजेक्शंस भी लिए जो कि आधे महाराष्ट्र में लिए, आधे गुजरात में लिए, सोया राक्षस और बंदर कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। कभी रात को उठ के आई थिंक गुजराती में बातें करना शुरू करती है। बट इन ऑल जंगल, जो जंगल एक ऐसी जगह है ना जो दिन में जितनी खूबसूरत लगती है हरियाली, और ये कभी कभी रात को है ना वो बहुत डरावना हो जाता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जो एक हवा की सरसराहट होती है वो कभी कभी आपको डराती है, मैं कह सकता हूँ। मिक्स है, रात को भी है दिन में भी है, मोस्ट ऑफ द पार्ट दिन में है, क्योंकि रात को थ्रिलर एक सोचते हैं आप थ्रिलर होगी तो रात को शूट हुई होगी, ऐसा नहीं है, मेजर पार्ट दिन का ही है, तो एक अलग यूनिकनेस है फिल्म के अंदर। एक गाना नहीं है फिल्म में हमारी, थ्रिलर में गाने की जगह नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, हमारी फिल्म में एक भी गाना नहीं है। कंटेंट अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छी होती है, लिखावट अच्छी होती है, नहीं कुछ ना कुछ के बारे में बात करो ना, हमारा बैकग्राउंड स्कोर एक बहुत ही बैकग्राउंड स्कोर है वो एंड्रयू मैकेने दिया है, जो कि बहुत ही रेनाउंड बैकग्राउंड स्कोरर है, जो रहमान साहब के साथ हमेशा रहते हैं, उनके लिए म्यूजिक कंपोज करते हैं, म्यूजिक अरेंज करते हैं, काफ़ी सारी बड़ी फिल्मों के लिए उन्होंने बैकग्राउंड दिया है, और पहली मराठी फिल्म है उनकी जिसके लिए उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया है, तो वी आर वेरी लकी। और फिल्म की खूबी ही कहीं ना कहीं जैसे एक तरह से ये इतना ना एड ऑन है हमारे लिए कि इतना बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर है, जो थ्रिलर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आई कैन वाउच फॉर द बैकग्राउंड स्कोर कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। सही, आपके फिल्मों के नाम हंटर, राक्षस, तो क्या कहना चाहिए? यूनिक है ना, तो अच्छी बात है, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि
जब हम फिल्म साइन करते हैं तो ऐसा कुछ तो दिमाग में होता नहीं है कि इसका नाम यही होना चाहिए या इसका नाम यही, पर आई एम ग्लैड कि एक वैरायटी ऑफ नेम्स और यूनिक नेम्स की पिक्चरों में मैं दिखाई दे रही हूँ लोगों को, अच्छी बात है। पता नहीं पर मैं नाम अच्छा होना हो, यूनिक होना हो, आई एम श्योर मेरा किरदार उसमें यूनिक रहेगा, ये कोशिश मेरी तरफ से तो रही। बिल्कुल नहीं है, ये तो बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी किसी भी एंगल से हॉरर नहीं है, हॉरर फिल्म नहीं है, कोई भूत पिशाच राक्षस फिल्म नहीं है। राक्षस क्या होता है ना, हर इंसान के अंदर भगवान होता है, हर इंसान के अंदर राक्षस होता है, तो कहीं ना कहीं हम हर जगह में, ऐसे आप मुंबई में देखें तो ट्रैफिक बहुत बड़ा राक्षस है यहाँ का, हमारे देश की आई थिंक पॉपुलेशन बहुत बड़ा राक्षस है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं वो राक्षस हमारे बीच में ही है, हमें ढूंढना है कि वो राक्षस कौन है, ये कहानी उस बात की है, तो इसका कोई ताल्लुक हॉरर से नहीं है। इतने सारे लोग हैं मेरे साथ में, जरूरत क्या कहीं और जाने की, मुझे बताइए। क्या किया है, किया तो मैंने बहुत है, इस बार शायद इच्छा है कि कुछ और सामने वाला कुछ करे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा देखिए मेरे लिए, मैंने हम दोनों की मेंटेलिटी ऐसी है, मेरी और कीर्ति की, हमने शुरू से हर दिन को एक प्यार का दिन माना है, तभी शायद आई थिंक पता नहीं चले कब 12-13 साल हो गए शादी को, तो हमारे लिए हर दिन इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एक स्पेशल ऐसा एक दिन है जहाँ पर आप इजहार करते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा एक एफर्ट मारते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ गिफ्ट हो जाए, अच्छा डिनर हो जाए और ये करेंगे कुछ। अगर हम गाने की बात करें तो आप कृति को कौन सा गाना सॉन्ग सुनाएंगे वैलेंटाइन के लिए? आपको लगता है मैं गाना गा सकता हूँ? कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? डेडिकेट करेंगे, बहुत गाने हैं यार, और कौन सा गाना यार, एक तो मुझसे गाने के बारे में ना पूछे तो अच्छा है। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक फिल्म शुरू करने वाले हैं, अगेन मराठी है, जिसका नाम है एक नंबर, और आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कम से कम कि वो मराठी की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जो हम शूटिंग विद इन अ मंथ एंड हाफ शुरू करेंगे, और इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ऐसी फिल्म आपने मराठी में नहीं देखी होगी, तो रेडी रहिए एक नंबर के लिए। इसके बाद राक्षस 23 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, उसके बाद एक इंडो अमेरिकन फिल्म है जिसका नाम है लव सोनिया, ये दिस इज सेट टू रिलीज दिस ईयर इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई बिलीव। थैंक यू।